इतनी खुशी हुई कि मेरे डैडी को इतने चाहने वाले हैं, इतने चाहने वाले हैं। मोहम्मद नूर मुजस्सम या हबीबी या मौलाई, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। आप यकीन करें मेरे बच्चे जब मुझसे कहते हैं कि डैडी अब चलें यहाँ से थोड़ा सा ज़रा कहीं और चलते हैं, तो मैं जब उनको समझाता हूँ कि बेटा ये अपना जो है ना, ये मट्टी जो है ना, ये अपनी मट्टी है, हम चले जाएंगे कहीं, डिफेंस भी चले जाएंगे, क्लिफ्टन भी चले जाएंगे, रह लेंगे, लेकिन कुछ पता नहीं लगेगा बराबर को कि मैं कौन रह रहा हूँ कौन नहीं। आप यहाँ अगर एक छींक मारोगे ना, पूरा इलाका आ जाएगा कि यार क्या हो गया यार, अमजद भाई को क्या होगा या अमजद के घर में क्या हो गया, कोई जरा सी कोई तकलीफ हो जाएगी पूरा इलाका इकट्ठा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं मौजूद हूँ अमजद साबरी शहीद साहब के घर पर। ये वो घर है, ये वो मोहल्ला है जिसके बारे में अमजद भाई कहते थे कि मैं कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा। उनसे बहुत मरतबा लोगों ने पूछा आप यहाँ से शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते, किसी दूसरी जगह पर क्यों नहीं चले जाते, और हमेशा उन्होंने एक ही बात कही, उन्होंने कहा इस घर में मुझे अपने वालिद साहब नज़र आते हैं, यहाँ मोहल्ले में हर कोई उनके जान पहचान वाला है, अगर उनको छींक भी आ जाए तो पूरा मोहल्ला ये पूछने के लिए पहुंच जाता है कि अमजद भाई आपकी तबीयत ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं। तो ये लोगों की मोहब्बत थी, ये इस घर से उनकी मोहब्बत थी जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि मैं ये घर छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा, और ये वादा उन्होंने अपना पूरा भी किया। आखिरी मरतबा भी जब वो निकले थे इसी घर से निकले थे। आज इस प्रोग्राम में हम उनको खराज अकीदत पेश करना चाहते हैं और इस चीज़ को हम ताज़ा रखना चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इस मुल्क का, ताकि जो हुक्मरान हैं वो भी इसको याद रखें, जो कानून नाफिज करने वाले हैं जिनकी जिम्मेदारी है उन जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की, उनको भी याद रहे कि ये कितना बड़ा नुकसान हुआ है। और आज इस प्रोग्राम में मेरे साथ एक ऐसी माँ भी मौजूद है जिनका एक ऐसा बेटा शहीद किया गया जो कि मोहब्बत का पैगाम पहुंचाता था, जो कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करता था, जिसका किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं था, जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, सिर्फ मोहब्बत की बात करता था। और इसीलिए आज हर कोई कहता है कि बहुत बड़े कवाल थे अमजद साबरी साहब, लेकिन उससे बेहतर वो इंसान थे, हर शख्स उनकी तारीफ़ करता है। तो उनकी वालदा आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे और हम उनके भाई सरवत साबरी साहब से भी बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें वक्त दिया। जो गम इस वक्त पूरे पाकिस्तान को है उनकी इस शहादत से, वो तो आप देख रहे हैं, लेकिन आपका गम उससे बहुत ज़्यादा होगा। आप उनकी वालदा हैं, जो दुख आपको पहुँचा है उसका तो हम शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, लेकिन इस बात से आपको इत्मीनान है, थोड़ी सी खुशी है इस बात की कि आज लोग उनकी इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, उनको इतनी इज्जत दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात उनके नाम के साथ शहीद का लफ्ज़ लगा हुआ है। आज इस गम को थोड़ा सा कम कर दिया, इतनी बड़ी रुतबा पा गए, इतनी बड़ा शान हो गई और हमें भी कर गए, वाह अभी मेरा शुरू नहीं हुआ। बहुत ही प्यारा बेटा था मेरा भाई, ऐसे इंसान सदियों में पैदा होते हैं। अब बताओ उसकी सालगिरह कहाँ करूँ, कब्रिस्तान पे जाऊँ, आखिरी बुध को पैदा हुए थे वो, रमज़ान शरीफ की अलविदा आती है ना, आखिरी बुध को तशरीफ लाए थे दुनिया में। मैं किसी बच्चे के हमारे यहाँ सालगिरह को ज़्यादा अहमियत नहीं देते कि ये अंग्रेज़ी माहौल है, लेकिन फिर भी अमजद की उसके अब्बा भी करते थे और मैं भी करती, साल में दो भी हो जाती, अगर वो बाहर होते थे उनके अब्बा करते, और ये मेरी तो है उर्दू से बुध, आखिरी बुध रमज़ान के आखिरी बुध को मेरे मनाते। मैंने देखा उनके बेटे को भी उस दिन एक प्रोग्राम में, उसने कहा कि मुझे बहुत खुशी है इस बात की, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि इतने सारे लोग उनके जनाजे में शरीक हुए। आपने भी अगर देखा हो या आपने सुना हो कि मेरे ख्याल से जहाँ तक निगाह जा रही थी वहाँ तक लोग ही लोग थे, और किसी ने उन लोगों को ज़बरदस्ती नहीं निकाला था घर से, वो सिर्फ मोहब्बत करते थे अमजद भाई से, और इसलिए वो निकले थे।
अभी भी माशाल्लाह से एक वो आता है रेला औरतों का, अब वो बेचारे मिल 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 के जाते हैं तो वो पूरे निकल भी नहीं पाते तो दूसरा आ जाता है। यही हाल मर्दों का, यही मर्दों का। हम तो वहाँ से आए, हम तो वहाँ से आए, अच्छा बेटा आ जाओ। हाँ मेरा बेटा तो है नहीं। हर मकतबा फिक्र का इंसान तकरीबन हर रिलीजन का नाम लोग दे गया और सबके तहे दिल से मशकूर है कि सबने उसकी ताज़ियत की और सबकी ताज़ियत को पुरसे को हमने कबूल किया। छोटा बच्चा था, इतना बड़ा आदमी नहीं था कि भाई बड़ी उम्र का, एक इस भाई से, एक बहन से, दो बच्चों से, दो बहन भाइयों से बड़ा था, बाकी माशाल्लाह सब बड़े बड़े बहन भाई। थोड़ा सा गरूर नहीं, खाने में, सोने में, कोई काम करने में, कोई बात, बच्चों का दिल रखने में, डैडी ये लेना, डैडी वो लेना, अभी चलो चलो फिर अभी चलो, हर काम को अभी कर लो, हम जब ये काम नहीं कर, हाँ तो हमें चलो अभी कर लो बेटा जी, क्या जल्दी है। अच्छा, इतनी मसरूफियत के बावजूद टाइम निकाल लेते थे बच्चों के लिए हर वक्त। इतनी मसरूफियत की नींद में लटपट होते हुए आ रहे हैं और बच्चों ने कह दिया डैडी हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए। अच्छा बेटा चलो, कह लगे अम्मी हम पेट्रोल पम्प पर जा रहे हैं, सुनने के बाद पेट्रोल पम्प पर जा रहे। मैंने कहा अमजद पेट्रोल पम्प पर क्या ले जा रहे हो बच्चों को ले, मुझे नहीं खबर था कि वहाँ बड़े बड़े शॉप में बनी हुई। तो मैंने कहा वहाँ तो पेट्रोल ही है। कह लगे चलो फिर मैं तुम्हें दिखा के लाऊँ आज पेट्रोल वहाँ जाके कॉफ़ी वॉफी पीते थे आजकल बच्चे साथ साए दुकान में घुस अब्बा जी ये अब्बा जी डैडी डैडी ये ये अच्छा। मैंने कहा तुम मेरे बेटे को यूँ तंग करते हो, पेट्रोल पम्प पर चलो पेट्रोल पम्प, पेट्रोल पम्प पर भी ये चीज़ है। अब जिसने जो कह दिया कि हमें ये चीज़ चाहिए वही चाहिए वही भी हमें क्या चाहिए, मुझे डैडी ये चाहिए। जब आपको इस बात का अंदाज़ा था कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर लोग उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि जब ये हादसे का सुना हर कोई रो रहा था, हर कोई आपदीदा था, और जिस तरीके से रमज़ान के गर्म मौसम में उनके लिए लोग निकले जनाजे में, रोजे से रोजे के मुंह भाई रोजे, और यहाँ से लेकर जो कब्रिस्तान बाबोश नगर का वहाँ तक लोग पैदल गए। एक साहब का तो उसमें इंतकाल हो गया था, कई लड़के बेहोश होकर गिर गए और फिर पानी डाल के फिर चल पड़े। और बस मैं बता नहीं सकता कि अजीब ही मंजर है, एक अजीब, लोग ये कह रहे हैं कि या तो कायदे आज़म का हुआ होगा इस तरह का जनाजा, वह ऐसा कहेंगे हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा किसी। जैसे मैंने कहा कि गम तो बहुत बड़ा है, जितना आपका गम है वो तो उसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, लेकिन ये वो चीज़ है जो कि आपको इत्मीनान देती है कि मेरे बेटे ने इतना अच्छा काम किया था, पाकिस्तान के लिए इतना नाम कमाया। हाँ इतना बड़ा था कि भाई बहुत इज्जत है, बहुत माशाल्लाह अच्छा है, लेकिन इतना नहीं था कि जो मैंने अब देखा। अभी तक लोग आ रहे मैंने ये कहा भी था कि लोग मुझसे भी पूछ रहे थे शिया हैं सुन्नी हैं, मैंने कहा ना उन्होंने कभी इस चीज़ की फिक्र की ना कभी इस चीज़ का एहसास होने दिया, तो ये सवाल तो है ही फजूल। वो क्या थे, वो मुसलमान थे और एक सबसे बड़ी बात एक अच्छे इंसान थे। सबसे पहली बात ये कि उनका काम यही था कि मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहब्बत सहाबाए कराम, मोहब्बत अहले बैत, ये बात बस इस उसके अंदर। आपकी वालदा की तरबियत का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, जो क्योंकि मैंने जैसे कहा कि उनको एक लेजेंड कव्वाल के तौर पे तो हमेशा याद रखा जाएगा, लेकिन हर शख्स ने ये कहा है कि बहुत अच्छे इंसान थे, खुश मिजाज थे, मिलनसार थे, तो इसमें आपकी तरबियत का बहुत बड़ा हाथ है। अल्लाह की मेहरबानी। शहजाद भाई तरबियत तो माशाल्लाह से इन्होंने 11 बच्चों की है, लेकिन वो बच्चा गुजरा सबसे अलग था इसके अंदर। मैं उसको बहुत बड़ा क्रेडिट देता हूँ कि उसने बहुत कुछ सीखा। मैं तो अपने आप को बहुत नालायक समझता हूँ इस मामले में। तो आपको भी मुकम्मल वक्त देते थे अमजद भाई? हाँ ज़रूरी। मैंने कहा भाई यार कैसे किस दिन बहुत ज़्यादा बिजी, अभी जाता हूँ थोड़ा लेट जाऊँ फिर आऊँ, मिल के जाओ पहले आराम करो। अगर एक घंटे बिठाया तो यूँ आके बैठता था मेरे बराबर। अच्छा आगे बैठता था माशाल्लाह, जैसे घर से बाहर थे वैसे ही घर में भी थे, अच्छे अच्छे अखलाक है, अच्छी कोई नखरा है कोई मिजाज है, यहाँ नहीं बैठना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। और मुझे ये होता था कि क्या खा रहे थे, हाँ अम्मी मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने कहा मैं अपनी बहुओं पे बैठी ये क्या दिया खाना, क्या चीज़ है, नहीं मैंने खुद कहा था मुझे अच्छा लग रहा। बच्चों के साथ हर एज के साथ उनकी वो थी फ्रेंडशिप, यानी 5-6 साल की उम्र के बच्चे से लेकर और 95 साल की उम्र के आदमी तक
वो एक ही लेवल की दोस्ती थी। इस इधर जब मेरे बच्चे आते हैं इधर बैठे क्रिकेट खेल रहे इसी इसी कमरे में। नहीं, क्रिकेट खेलना शुरू। कभी कोई शीशा शीशा भी तोड़ दिया तो और यहाँ गली में क्रिकेट खेल रहे हैं और स्टेडियम में भी क्रिकेट खेल रहे हैं माशाल्लाह से। क्रिकेट का चांद लग जाएगा। हम जब क्या था इतनी जगह में क्रिकेट खेलने की जगह, वो मेरी चीज मेरा ऐसी खराब कर दिया। माशाल्लाह अमजद साहब के जो बड़े साहबजादे हैं मैंने देखा है कि उन्होंने भी इस गम इस दुख में बहुत हौसले से काम लिया है। और उनके जो बाकी बच्चे हैं जिनको हमने टीवी पे नहीं देखा है उनका क्या हाल है? वो हौसले से काम ले रहे हैं क्योंकि इस वक्त हम आपको हौसला देंगे और आपने उनको हौसला देना है। बच्चे रोते हैं, बहुत रोते हैं, फिर बच्चों को बहला लेते हैं, थोड़ा खेल में ले जाते हैं, फिर वो तो मुझे हौसला दे रहा है इतना सा। दादी आप क्यों रो रही हैं? आप क्यों रो रही हैं? मैं हूँ ना, मैं हूँ। तो वो है बच्चे तो बुलाती हैं, उनको दिखाती हैं, बुलाऊं? बुलवा लें। चलो आवाज दे दाए उसको अपने और जोनों को बच्चियों को कहना आओ जाने बुला रही। बहुत प्यार करने वाला बच्चा। माशाल्लाह बच्चे फिर हिम्मत से काम ले रहे हैं इसका। हाँ रो भी रहे हैं बेचारे, खेल भी रहे हैं। बच्चे तो बच्चे ही हैं, रोने भी लग जाते हैं कभी कभार, तो ऐसा लगता है कि आ जाएंगे। इस तरह जाते हैं वो पूरे पूरे तो दादी हमारे डैडी ने क्या बिगाड़ा था कुछ? हमारे डैडी को क्यों मार? वैसे उन्होंने अभी ये फोटो टीवी ये सब दिखा रहे हैं उनको, और वैसे क्यों किया हमारे डैडी को? हमने क्या बिगाड़ा था उनका? दादी को कौन लोग थे? मैं डिश उडिश इतना सा कह रहा, मैं ऐसे कर दूँगा उसको। मैंने कहा बेटा ढूँढ रहे, सब ढूँढ रहे हैं अपने, सब हुकूमत ढूँढ रही, जिस दिन सामने आएगा ना दादी फिर मैं हाथ नहीं रोकूंगा, मैं डिशे उठे करके उसको बुला लूँगा। इतने प्यारे बच्चे आ जाएंगे, भागते फिरते सो जाते हैं। उस बात का जवाब तो हमारे पास भी नहीं है कि क्यों, क्या कसूर था एक ऐसे शख्स का जिसकी अभी तो निकला घर से 5 मिनट 10 मिनट में ये खबर मिल गई। कितनी बड़ा आसानी है कि हमारे पैरों की जमीन निकल गई, हम बाहर निकल गए कहीं कहीं ढूंढने, हमें पता नहीं हमारे पास दुपट्टा है नहीं, पैर में चप्पल है, और सारे घर वाले एकदम नहीं के साथ निकल रहे। मैंने यूँ पलट के नहीं पूछा कि कोई बहू आ रही है, कोई बेटा आ रहा है, उन्होंने मुझे नहीं देखा। मैंने कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। कोई दुश्मनी नहीं थी किसी से, कोई परेशानी ऐसी? भाई हमारी जाहिरत में तो बेटा नहीं थी, हमने किसी को दुश्मन की नजर से किसी ने हमें देखा नहीं। कोई सबका क्योंकि बहुत कहा जा रहा था दुश्मनी ऐसी, अफवाहें फैल रही थी। अफवाहें तो बहुत हर हर इंसान की आपने बात सुनी है, किसी के मुंह से भी ऐसी बात सुनी? कोई नहीं, कोई नहीं, आपके नॉलेज में भी कोई ऐसी बात ही नहीं, कोई कोई उनको थ्रेट हो या कोई नहीं सकती कोई बात। वो तो ऐसे सुना, वो किससे सुना हमने भी कि वो ज्यादा आते भाई भाइयों की लाहौल विलखूत कभी हमारे भाइयों के सामने भाई बोलते ही नहीं। हम जब मेरा किसी के सामने बड़े भाई का माशाल्लाह आपकी तरबियत देख के तो मैं इस बात पे 100% यकीन कर सकता हूँ कि ऐसा हो नहीं सकता। हो नहीं सकता। अभी मैंने इसको इतने बड़े बेटे को कुछ भी कह देती हूँ किसी बात पे गुस्सा के था, अमजद थला सरवत मैंने कहा मैं मार दूंगी बहुत जोर से रात को, गुस्सा इस पे जो कि मेरे पास लिया दिया रहता है। सबसे बड़ा भाई इज्जत करें, मैंने मैं माँ खुद इसकी इज्जत करूँ, लेकिन कह दिया गुस्से में कोई बात नहीं। किसी बहन भाई ने और शिकायत की, अमजद देखो अम्मी ने यूँ कह दिया, भाई अमजद अम्मी ने, अरे अम्मी ने कह दिया तो क्या हो गया? अम्मी तो मुझे भी डांटती हैं, क्या हो गया? हम तो नहीं बुरा मानते, अम्मी को कोई बात बुरी लगी होगी तो कह दिया होगा। आप एक एक बयान जो है आपसे मुंसलिक करके वो बहुत ज़्यादा इस वक्त चल रहा है कि बहुत परेशान थे अमजद साहब, ऐसी कोई बात थी? नहीं भाई, मैंने तो कहीं बयान नहीं, मैंने कोई बयान दिया। अच्छा, और ना ही कोई ऐसी बात थी, मतलब जैसे वो हमेशा खुश मिजाज और हल्ला गुल्ला करने वाले शख्सियत नजर आते थे वैसे ही थे ना। कभी कभी लगता है बहुत अदबदार बच्चा था मजाले, भाई के सामने बोल रहे हो दूसरा एक बड़ा भाई हो रहा है, ये छोटा वो तो इस तक से भी डर जाता था, छोटे तो कभी ये गाने बजाने की तरबियत में कोई बात कह रहा, अम्मी मैं डर जाता हूँ इन चीज़ों से भी, नसीहत करूँ कभी कोई मेरे पलट के यूँ ना करे, कुछ कहे ना दे मुझे। छोटों से भी डरता था और अदब करता था, बड़ों से तो बड़ों का तो है ही कि बड़ों की बड़ाई होती है और छोटों का एहतराम होता है हर चीज़ में। तो हमारा तो बेटा, हम क्या अपने मुँह से कहें, हमारा अदबदार घराना, अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक वही चीज़ है और अल्लाह आगे तक वही रखे। भर दो झोली मेरे या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। अल्लाह, 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 अल्लाह।
कोई नहीं है तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। मैं बन के सवारी आया, मैं बन के सवारी आया, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं है तेरे से। सरवत साहब, हुकूमत से, वफा की हुकूमत से कल निसार साहब आए थे, गवर्नर साहब आ चुके हैं, चीफ मिनिस्टर साहब, आज बिलावल साहब आए, सब लोग तशरीफ लाए, सब लोगों ने इस चीज़ को नोटिस लिया कि एक बहुत बड़ा आदमी हमारे बीच में से चला गया, वो भी बहुत कम उम्र इंसान था और उसकी शहादत को रायगढ़ नहीं जाने देंगे। सब ने तकरीबन, अपोजिशन ने, गवर्नमेंट ने, सब ने तकरीबन बहुत अच्छी बातें करी, लेकिन मसला वही है शहजाद भाई कि हमारी कौम को भूलने की बहुत आदत है। आ जाओ हमारे साथ दो रोजे खोल, आ जाओ जानो, आ जाओ, आ जाओ मेरे बेटा, कौन सी जगह पे नहाने गए, इतनी तो बारिश नहीं हो रही, मैंने तो कर ली होगी ना, इतनी बारिश हो रही। ये सबसे छोटा बेटा है मेरा, सबसे छोटा, मोहिब अली नाम है इनका, नाम बताइए, सबसे छोटे बेटा जी, नाम बताइए, और प्यार में क्या कहते हैं, जोनू, यार मैम इनको जोनू पुकारते हैं, प्यार में जोन मोहम्मद भी कहते हैं, और मोहम्मद मोहिब बारिश में आ रहे थे तुम भीग कर आयो, क्या क्रिकेट खेल रहे थे बारिश में, गंदे कपड़े कर लिए, गंदा मुंह कर लिया, भागदौड़ मचा रहे थे, और वो उनका ऑन ऑन मोहम्मद वो तो गए, अच्छा आज वो दोनों बेटे एयरवाइज पे गए, भाई के साथ लड़ाई तो नहीं होती खेलते खेलते, कभी कभी हो जाती है, कभी कभी हो जाती है, फिर सॉरी, फिर वापस खेलने लगते हो साथ में, जी सॉरी किया, डेडी के मारने वालों को पता चल जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, बता दो भाई, क्रिकेट खेलते हो, फेवरेट प्लेयर कौन है तुम्हारा, बड़ा आसान सा सवाल है, कोई तो अच्छा लगता होगा, बता, इतना अच्छा खेलता ही नहीं, अच्छा नहीं, शायद आफरीदी तो अच्छा लगता होगा, वो तो सबको अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता, मुझे अहमद शहजाद अच्छा लगता है, अहमद शहजाद अच्छा लगता है, सही, क्रिकेटर बनोगे फिर, कमाल बनूंगा, कमाल जिंदाबाद, माशाल्लाह, बाबा की तरह इंशाल्लाह, प्रैक्टिस शुरू कर दी है तुमने, जी सुनाओ अपने बाबा फरीदुद्दीन, सुनाओ सुना, चलो थोड़ी सी जो पापा ने आपको याद करवाई थी, सुनाओ कवाली सुना दो थोड़ी सी, शाबाश, बाबा फरीदुद्दीन नजर करम कर,
बाबा फरीदो दिन नजर करम करो मुझे दुखिया पे एक नजर हो बाबा फरीदो दिन नजर करम करो बाबा फरीदो दिन नजर करम करो आगे कोई बात नहीं वेल डन वेल डन कितने साल के हुए सात साल का सात साल के बहुत शुक्रिया थैंक यू आप खेलने के लिए जाओ थैंक यू मासूम बच्चों के सर से दस्ते शफकत छीनने वालों ने जुल्म और बर्बरियत की मिसाल कायम करते हुए इन्हें बाप के साये से महरूम कर दिया। अमजद साबरी अपने फन में यकता और कमाल तो थे ही, साथ साथ अपने बच्चों के लिए शफकत और मोहब्बत का पैकर भी थे। आज जिस घर की फिजा सोगवार है, कुछ रोज पहले तक ये खुशियों से भरपूर था। जब परफॉर्म करने बाहर जाते हैं तो किस तरह की फरमाइश होती थी? हुरैन की कैसी फरमाइश है? सिर्फ चॉकलेट चाहिए। और तुम्हारी? मेरी भी सिर्फ चॉकलेट्स। और तुम्हारी? सिर्फ चॉकलेट्स। ये तो बहुत ही सीधे बच्चे हैं, ड्यूटी फ्री से काम फारिग। हाँ बताओ भाई। मोहिब अली, मोहिब जल्दी से चॉकलेट्स, सिर्फ चॉकलेट्स। मेरे साथ सेल्फियां बना के देखी जाके दिखाती हूँ, देखो मैं हूँ इनकी बेटी हूँ। लोग मानते ही नहीं है। वाओ। और बताती हूँ अपने फ्रेंड्स को, फिर उनका क्या रिएक्शन आता है जब सेल्फी भी जाके दिखा दे कि अब्बा के साथ ये सेल्फी है? फिर है ऐसे कि है वाकई। डैडी से फरमाइशें किस तरह की होती है? मैं ज्यादातर डैडी से पैंट्स मंगवाता हूँ जो मेरे नाप की नहीं है, लेके आते हैं। कभी नहीं लेकर आए नाप की? कभी नाप पता नहीं लगता बच्चों का। देखा ना आपने क्या? अब ये सिर्फ सीन बर्दाश्त करना ही हमारे लिए तो ऐसा है जैसे दिल ही जाता। कौन करेगा यार ये? आप गाय नो लिए के खवाली करेंगे? देख लो, पढ़ेंगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। पहले तो अब वो इंशाल्लाह भाई जो ना आप ये सब नोट कर करना किस कौन जीता कौन हारा क्या हुआ। अब मैं जा रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं। जी डैडी मैं बताऊँगा जैसे हुआ है। डैडी उसने ये किया, उसने ये किया, उसने बॉलिंग करवाई, उसने ये, उसने कितने विकेट लिए, कितने कितने स्कोर किया, ऐसे पूरा लेट के बाप के साथ यूँ देखता रहता है। अल्लाह कैसा हो गया, क्या हुआ? यकीन नहीं आता भाइयों से दुनिया यूँ हो गई, एकदम पलट गई। अल्लाह मालिक, अल्लाह मालिक, अल्लाह मालिक, अल्लाह जो काम करता है बेहतर करता है। उम्मीद करती थी कि हमारा तो सबको है, लेकिन शहादत का रुतबा नहीं मिलता। शहादत का रुतबा हर किसी को नसीब नहीं होता। एग्जैक्टली, हर किसी को नसीब नहीं होता। इस शायद इसी अल्फाज ने थोड़ी हिम्मत दे रखी। बिल्कुल सही कह रही है, वरना हमें तो। और हम भी इसको याद रखेंगे और याद दिलाते रहेंगे। ये हमारा भी फर्ज बनता है मीडिया का कि याद दिलाते रहें उन लोगों को जिन्होंने वादा किया है कि हर जान की हिफाजत करने का। वो जब हल्फ उठाते हैं तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। जिम्मेदारी। अब आपसे भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे आके मुलाकातें की, आज बिलावल साहब भी आए थे। क्या बातें की आपसे, क्या बातचीत हुई? बस बेचारे अफसोस कर गए और आप बताइए और हम आपके साथ हैं और ये है। मैंने कहा भाई मैं बताया, आप पूछे मैं क्या बताऊँ, बस यही कहानी है। यहाँ से निकले, यूँ गए, यूँ मार दिए। ना हमारी किसी से दुश्मनी है, ना लड़ाई, ना झगड़ा। हमारे तो यूँ जितने आप जनाजे में लोग थे ना, हर साल अपने वालिद का उर्स करता है, उस वक्त भी इतने लोग होते हैं। अच्छा। इतने लोग होते हैं कि इस मेन रोड से चार नंबर वो मेन रोड तक यूँ आदम होता है। तो हमें तो जब किसी दुश्मन ने नहीं मारा। और पुलिस और फौज और पुलिस लगी हुई होती है बाकायदा, ये रेंजर्स वाले लगे हुए होते हैं। और लोगों को आने को जगह नहीं मिलती है। ये मेन रोड हमारा भरा हुआ होता है। इतना बड़ा अपने बाप को उर्स करता। अगर कोई दुश्मन हमारा होता या हमने किसी का दिल दुखाया था तो हम ऐसे रश में कोई भी मार जाता। और इसी लालू खेत में क्या करते हैं। तमाम इन लोगों ने यकीन दहानी आपको करवाई है कि जो जालिम, हाँ, उनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और इबरतनाक सजा दी जाएगी। बस ये हो, कम से कम भी ये कर सकते हैं। वो ही मारने वाला, ये करने वाला तो भाग गया, जबरदस्ती पिस गया। ये भी तो होता है ना, काम करने वाले तो जब तक काम पहुंच जाते हैं और बेचारे राह चलतों को पकड़ लेते हैं। अच्छी तरह जांच ये है कि किसी बेकसूर को, किसी बेकसूर कोई कोई सताया ना जाए। जो असल है किसी भी बेकसूर को सताया ना जाए जब तक के पक्के शवाहिद ना मिल जाए। और फिर हमें भी दिखाओ, ये ख्वाहिश है बस।
हम भी देखें कि भाई तू कौन सा दुश्मन निकला, हमने तेरा क्या बिगाड़ा, तूने जान से ख़त्म क्यों किया। मैं कहती हूँ बीमार कर देता हाथ पे पैर पे। उसकी कैफियत तो पूछती, बेटा क्या हुआ तेरे साथ, मैं तो ये भी नहीं पूछ सकी। मैंने तो मरे हुए सोए हुए को देखा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि आंखें जोर लगा रहा देखो, जैसे बहुत नींद नहीं आती है जी। अब बाद वक्त उठना चाहते हैं और आंखें खुलती नहीं होता है ना सर, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोशिश कर रहा है कि आँखें खुल माँ को देख, कहाँ से आंखें खुल जाऊँगी मेरा बहन। बिलावल साहब ने तो बड़े वादे किए हैं, क्या कहे बिलावल, इंशाल्लाह के अमजद साबरी के नाम से एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग बनाएंगे जो इंटरनेशनली तौर के ऊपर सूफी म्यूजिक को बढ़ावा देंगे। अच्छा, सूफी म्यूजिक की एक ऑर्गेनाइजेशन अमजद साबरी के नाम से जी। अच्छा, जो इंशाल्लाह पूरे इंटरनेशनली इसको लेके चलेंगे। सही है। और ये भी उन्होंने कहा कि वो भी भेजते हैं जो इससे मतलब। मैं उम्मीद करता हूँ क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो अमजद साबरी साहब के लिए किया जा सकता है, जितना उनका मकाम था, जितने बड़े वो कव्वाल थे सर। मैं ये खाली छोटी सी चीजें जो की जा सकती है, ये तो सिर्फ उनका नाम रखने की बात है, वरना ये काम तो असल काम जो मिशन है वो तो यही है ना कि ताकि जो हमारा सूफीज़म है जो इस्लाम की सही पहचान है उसको हम लोगों तक पहुँचाएँ, वरना लोग हम मुसलमानों को टेररिस्ट समझ रहे हैं। आपको मालूम है मेरे बच्चे हिजाब वगैरह पहनते हैं जब कॉलेज वगैरह जाते हैं, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि लोग उनसे थोड़ा डर के बैठते हैं, स्पेशली अगर कोई हादसा हो जाए फोन। इस्लाम का जो है मुसलमानों का इमेज बेहतर करना है, बिल्कुल ठीक है, जो असल इमेज है, जो असल इमेज है जी, लंदन अमेरिका में और उसमें हमारे ट्रू इमेज है ना, इस्लाम ट्रू इमेज है वो दिखाते हैं हिजाब में रहते हैं। करम मांगता हूं अता मांगता हूं, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। भर दो झोली मेरी या मोहब्बत, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहब्बत, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। अल्लाह हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे, ताजदार हरम मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। मैं बन के सवानी आया, मैं बन के सवानी आया, मेरा तमाम लोग जो आके यकीन दहानियां करवा के गए हैं। हमारे यहाँ एक मसला ये है कि एक तो अमजद साहब जैसे लोगों को जो है शहीद कर दिया जाता है, बहुत सारे ऐसे वाकयात हो जाते हैं, लोग पकड़े नहीं जाते, तो इसमें क्या यकीन दहानियां करवाई है कि उन मुजरिमों को, उन जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, इस पर कोई यकीन आया आपको? यकीन किस, आई मीन यकीन ये यार शहजाद भाई बड़ी आपको मालूम है ना कि इस मुल्क में किस तरह होता है। ये मैंने देखा है कि फ्रेंजर्स भी बहुत जानफिशानी से काम कर रही है, पुलिस भी बहुत जानफिशानी से काम कर रही है, हमारे साईं साहब जो सीएम साहब उन्होंने भी, कायम अली शाह साहब ने भी बड़ा वो किया, आकर बड़ी यकीन दहानियाँ कराई हैं, और सब ने, बल्कि वजीर दाखला जो हमारे हैं चौधरी निसार साहब बजात खुद तशरीफ लेकर आए और उन्होंने खुद बड़ी यकीन दहानियाँ कराई। लेकिन ये मसला एक नहीं है, एक मसला नहीं है, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहा कि बड़े लोग नाम पहचान वालों के तो लोग लगे हुए कर रहे हैं, लेकिन यार ये जो बेगुनाह रोज मारे जा रहे हैं, किसका, जब तक इसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा माशरे में टॉलरेंस नहीं आएगा। सही बात, अपना राइट्स नहीं पता होगा, क्या लाशें सुनते हैं टीवी में देखते हैं, रोज सुन रहे लोग पढ़े उठाने वाले नहीं है। आपको यकीन दहानी करवाई है
किन ज़ालिमों को जो है पकड़ा जाएगा इंशाल्लाह करे बहुत ज्यादा कार्रवाई और आपने भी इसरार किया इस बात पे हाँ मैंने जोर दे के किए ये बात मैंने बात ही यही की है मैंने कहा भाई दिखाओ लाओ पकड़ो और इतने मर गए मेरे बेटे के अलावा इतने कोई हमने आज तक कोई वो नहीं देखा कि भाई ये मर गया तो इसके वो ये एफजी में ला के दिखा दिया तो मैंने कहा ये कैसे लोग ये कहते हैं कि असल में लोग आगे नहीं आते जो वो हैं गवाही देने नहीं आते ये जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लेकिन मैंने उनसे ये कहा सर कि गवाही देने कोई क्यों आएगा उसकी खुद अपनी प्रोटेक्शन नहीं है ये जो वादे आपसे किए गए हैं हम ये वादे याद दिलाते भी रहेंगे उनसे मैं इसका और ये जो बहुत छोटी छोटी चीजें अमजद साहब का जो मकाम था उसके लिए बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं कि कॉम्पनसेशन दे दिया ये चीजें दे दी कॉम्पनसेशन इज नथिंग ये बहुत छोटी चीजें जो हुकूमत कर सकती है जो सबसे बड़ा काम है करने का वो ये है कि उन मुजरमों को पकड़ा जाए उन मुजरमों को पकड़ा जाए और उनकी लेगेसी को कंटिन्यू रखा जाए बिल्कुल ठीक हमने ये दे शुड हेल्प टू कंटिन्यू दिस लेगेसी और सबको यही कहा बतौर माँ तो आपको उनकी हर आदत अच्छी लगती होगी आपके बेटे हैं लेकिन सबसे अच्छी आदत क्या थी साबरी साहब की सबसे अच्छी आदत यही थी कि बच्चों में बच्चा है बूढ़ों में बूढ़ा है और हंसना बोलना गुस्से नहीं होना किसी को कुछ कह घर में नहीं किसी को सबको खुश रखने बच्चों को नहीं डांटना और मैं ही गुस्से होती थी मैंने कहा इतना थके इतना आदमी नामी गिरामी अपने वालिद साहब की बहुत इज्जत करते थे वालिद साहब के भी इतने इस इज्जत में तो ये कवाल बन गया ये तो स्कूल जाता था अभी पब्लिक स्कूल में पढ़ता था और वालिद साहब का भी ऐसा हो गया तो वालिद साहब से मोहब्बत थी और आपसे भी बहुत मोहब्बत थी और आपने मुझे बताया था कि एक मदर्स डे के प्रोग्राम पे आपको वो लेके गए थे वो बुलाया ना बुलाते हैं ना लोग अम्मी को लिया मुझे साबरी अम्मी को लिया अम्मी आप चलो मेरे साथ अम्मी जाओ ए बेटा मैं टीवी बजाऊंगी मुझे दुनिया हम नहीं जाते टीवी अम्मी चलो ना आप कौन से ज़माने में हो चलो तैयार हो जाओ अम्मी को वो कपड़े धो सूट वो कपड़े लो भाई वो तैयार करवा के मुझे वहाँ वहाँ ले गया अल्लाह आपको हौसला दे अल्लाह अब ये देखो ये हमारी जरूरत हो गई कि हम कैमरों के सामने बैठे हैं अल्लाह आपको ये मेरे अमजद नहीं करवाई मुझे आखिरी में कोई हमारे जरिए कोई पैगाम आप देना चाहेंगी पाकिस्तान को कोई पैगाम देना चाहिए एक पैगाम मैं ये देना चाहता हूँ कि इस वाक़े को जब तक भूलने ना दें तमाम मीडिया से मेरी अपील है इस वाक़े को जब तक भूलने ना दें जब तक इसके जो मुजरिम है वो कैफर किरदार तक ना पहुँच जाएँ और इसके एक वॉच बना लेंगे चलता रहे कि आज इतने दिन हो गए और अभी तक जब तक ना पकड़े जाएँ अल्लाह करे कि पकड़े जाएँ इससे पहले बेटा लोगों के दिलों में खौफ बैठ गया बच्चों को बाहर निकालने का खौफ बैठ गया मेरे दिल में खुद बैठ गया अभी तक नहीं था नहीं था मेरा बेटा कहता था अम्मी अल्लाह है ना हमारे साथ क्या डर खम खा कर डरती हूँ बेटा किसी को साथ रखा कर अपने ही घर वालों को नहीं वो तीन बजे आ रहा चार बजे आ रहा इतना हो ना बेटा बहुत शुक्रिया इतना प्यार करने वाला बेटा कि अल्लाह मेरे इन बेटों को तौफीक दे और सारी माओं के बेटों को अल्लाह तौफीक दे मैं तो देखती थी तो मैं रोती थी उसका यूँ हो गया उसका यूँ हो गया आज मेरे साथ ही इतना बड़ा सानिया गुजर गया मैं ही अपने बेटे को रो रही हूँ बेटे और मुझे तो रोने का भी टाइम भी दे रहे वीडियो वाले मिलने वाले कि मैं रो लेती हूँ सुबह सुबह ढूंढती फिरती हूँ बेटों को रोती हूँ हम जब उठ गया कि नहीं उठ गया बच्चों को मिलाओ मेरे पास हम जब उठ गया हाँ दादी उठ गए तो या तो मुझे बुला लिया या कुछ चले बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया अल्लाह आपको हिम्मत दे मैं कब्र अंधेरी روشن میری تربت کو